स्टूडेंट्स बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की टाइपिंग को लेकर। देखिए टाइपिंग कंप्लीट करा ली गई है, अब काफी बच्चों को इंतजार है, तो रिजल्ट कब आएगा, मेडिकल में क्या क्या होगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी और वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, पूरा इन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप फोन या मैसेज मुझे कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ग्रुप से जुड़ने से आपको एक तो ये फायदा होगा कि आपको अदर बच्चों के नंबर पता चलेंगे कि आप कितने बच्चों से आगे चल रहे हैं, तो ये भी आपको एक बेनिफिट होने वाला है। और ज्वाइनिंग तक ये ग्रुप मैं कंटिन्यू रखूंगा जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब क्या रिजल्ट आ रहा है, कब क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं और सौम्या मैम भी इस ग्रुप में रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इसके मिलने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो है ग्रुप सी का जो आपका टाइपिंग कंप्लीट हो गया है तो इसका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट की अगर हम लोग बात कर लें तो 2019 में आपका स्टेनो का और ग्रुप डी का और जो आपका ग्रुप सी है इसका फाइनल रिजल्ट एक ही साथ आया था। तो देखिए अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका 2 अप्रैल को होने वाला है, उसके 3-4 दिन बाद जो है इसकी आपकी 3-4 दिन या 5 दिन के अंदर आ जाएगी आंसर की आ जाएगी। आंसर की में आप देख सकते हो कितने का नंबर बन रहे हैं। उसके बाद लगभग आपका 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब 5 मई के आसपास जो है वो आपका तीनों रिजल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं, ग्रुप डी का, ग्रुप सी का और स्टेनो, तीनों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है 5 मई के आसपास। फिर आपका क्या होगा, मेडिकल का प्रोसेस होगा, मेडिकल जो है आपका 2 से 3 महीने के बाद मेडिकल कराया जा सकता है। आपका पिछली बार भी यही हुआ था कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था उसके लगभग किसी का 2 महीने बाद, किसी का 50 दिन के बाद या 60 दिन के बाद जो है वो ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने के बाद, ठीक है, तो मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में जो है वो आपको कोर्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि आपको ये कोर्ट मिली है, आप वहां जाइए अपना मेडिकल वगैरह कराइए और फिर आपको 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है, जिससे आपकी जब पहला दिन आपका होता है और सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो काफी आपका सपना होता है, मतलब कह सकते हैं बचपन का सपना होता है कि हम लोग को हाँ गवर्नमेंट जॉब मिले और फिर हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाए, तो वो आपका मेडिकल के बाद ही कंप्लीट हो पाता है। आपका डीबी वगैरह होता है उसमें मेडिकल कराया जाता है, फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग आपकी मानी जाती है। देखिए जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब से नहीं मानी जाती, जब आप मेडिकल और अपना डीबी कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद जब आपका सर्विस बुक बनती है वहां पर जब आपकी अटेंडेंस लग जाती है तब आप माना जाता है कि अब आपकी पहले दिन की तनख्वाह जुड़ना स्टार्ट हो गई है। तो मेडिकल में जो है वो क्या क्या जांच हो सकती है आप लोगों की, तो मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि रेलवे की तरह बहुत हार्ड लेवल का हो या फिर सेना की तरह बहुत हार्ड लेवल का हो। नॉर्मली आपका यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाएगा और शुगर वगैरह टेस्ट की जाती है और चेस्ट जो है वो आपका थोड़ा बहुत चेक कर लिया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरे वगैरह ले सकते हैं वो लोग, और आई टेस्ट किया जाता है। आई टेस्ट में आपको अगर चश्मा लगा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस है किसी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉर्मली आपके हाथ पैर चेक किए जाते हैं, अगर आपका पहले कभी हाथ टूट गया हो और अब अच्छे से काम कर रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, तो बहुत नॉर्मली होता है। ये आपका मेडिकल कहाँ पे होगा, तो जो भी आपको आपका डिस्ट्रिक्ट कोड अलॉट होगी आपको तो वहीं के आप सरकारी अस्पताल में या फिर वो एक अस्पताल अलॉट कर देंगे कि यहाँ से जाके करा लीजिए, तो आपको वहीं से करा के लाना होगा, 1 दिन या 2 दिन में ये कंप्लीट करा लिया जाता है। उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग यही लगभग अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। वेटिंग लिस्ट का तो बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं आती है। देखिए 2019 में जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई थी, जितनी पोस्ट थी उतना ही रिजल्ट दिया गया था, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे स्टेनो हो, तो लगभग आपकी 1000 के आसपास जो पोस्ट है तो इतनी ही बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट फिलहाल अभी तक इतिहास यह जा रहा है कि नहीं निकाली जाती है, लेकिन अगर आप लोग डिमांड करते हो, ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाते हो या कोई चिट्ठी भेजते हो NTA को और इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि आप सर प्लीज जो है वेटिंग लिस्ट निकालिए, कम से कम 1.5 गुना बच्चों की तो निकालिए, लगभग 1600-1700 बच्चों जरूर लीजिए, कोई काफी बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अदर सेलेक्ट हो चुके हैं, कोई रेलवे में सेलेक्ट हो गया है, कोई टीचर में कहीं चला गया है या फिर कोई अदर स्टेट का है वहां कोई चला गया है, तो क्या होगा कि काफी सीट्स जो हैं वो खाली भी चली जा सकती हैं। जैसे 1000 को DB के लिए कॉल होगा तो उसमें 100-150 लोग कहीं अदर कहीं अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए तो वो नहीं जाएंगे, तो क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट वाले को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है कि जब आप लोग कैंपेन चलाओ, ट्विटर कैंपेन चलाओ और इलाहाबाद हाईकोर्ट को जो है वो चिट्ठी भेजो और NTA को भी भेजो, तो वो हो सकता है दबाव बने वहां उनके ऊपर और वो 1500 से 1600 बच्चों को ले लें। 100-150 बच्चा जरूर ऐसा है कि जो इसको फाइनल ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये आप ही लोग में ताकत है कि जो वेटिंग लिस्ट इसकी निकलवा सकते हो, मैं जितना सहयोग कर सकता हूं करूंगा,
ठीक है। तो ये पूरा अपडेट है आपके, अगस्त सितंबर तक जो है फाइनली आपको जॉब मिल जाएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और कट ऑफ की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो। थैंक यू।